हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा एक छोटा सा सेशन रहने वाला है जिसमें हम करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि एक कुछ घंटियां दी जाती है कि 4 घंटियां टाइम आपको दिया जाता है कि इस टाइम पर बजती है तो वो एक साथ किस समय बजेगी। ठीक है, तो आज का हमारा बहुत ही छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो सभी बच्चे जरूर देखिएगा। हम इसमें कुछ चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप तैयारी करते हैं हरियाणा सीईटी की तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट मिल रहा है आपको आपके एग्जामपुर परिवार की तरफ से, तो सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट को जरूर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, इस तरीके का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट आपसे यह है कि 5 घंटियां 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि एक साथ बजने लगती है तो कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेगी। स्टार्टिंग में वो एक साथ बज रही है और अंतराल उनका दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि वो एक साथ किस समय बजेगी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपली जितनी भी घंटियों का जितना टाइम दे रखा है आपको उसका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या लेंगे, 2, फिर हमारे पास है 3, 4, 5 और 6, सभी का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। हर एक बच्चा मैथ पढ़ता है तो सभी को एलसीएम यहाँ पर निकालना आता है। सबसे पहले सभी संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से, 2 एकम 2, फिर 3 सेम, 2 दूनी 4, 5 सेम, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट किससे होगा, 2 सिंगल है, 5 सिंगल है, 3 2 बार आ रहा है तो हम इसको 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 2 5 और 1। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60। अब 60 हमारे पास एलसीएम बन। ठीक है, ऐसी एकमात्र छोटी संख्या जिससे सारी संख्या से ये डिवाइड होता है, 60 हमारा एलसीएम आया, तो 60 क्या होगा, सेकंड, और 60 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो जैसे ही हमने एलसीएम निकाला हमारा तुरंत आंसर आ गया कि सारी घंटियां एक साथ किस समय बजेगी या बजने किस अंतराल पर बजने लगेगी, तो 1 मिनट बाद सारी क्या होगी, एक साथ बजेगी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही। अब इसमें देखो 3 घंटियां दे रखी है, अलग अलग टाइम है आपके पास, एक हर 3 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी 6 मिनट बाद और तीसरी घंटी 15 मिनट बाद बजती है, यानी कि पहली 3 मिनट बाद, दूसरी 6 मिनट बाद और तीसरी 15 मिनट बाद बजती है, तो कितने मिनट के बाद एक साथ बजने लगेगी। अब कैसे निकालना है, हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में 3, 6, 15 का सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पांचे 15, आगे डिवाइड नहीं होगा, तो गुना कर लीजिए क्या होगा, 5 दूनी 10 या 30, और 30 हमारे पास क्या आएगा, मिनट, है ना, यहां पर मिनट दे रखा है तो क्या आ गया, 30 मिनट। तो आपसे पूछा है कि कितने मिनट के बाद एक साथ बजने लगेगी, तो सारी घंटियां 30 मिनट बाद क्या करेगी, एक साथ बजने लगेगी। ठीक है, तो इसमें एक मेथड तो ये है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कितने मिनट बाद सारी घंटियां एक साथ बजने लगेगी, उसमें सिंपली आपको एलसीएम निकालना है, जितना हमारा एलसीएम होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी में एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो भी देख लो। देखो अब इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या पूछा है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है, टोटल 6 घंटियां हैं, एक साथ बजना शुरू किया, यदि घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे, तो इसमें आपसे पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, इसको निकालने के लिए भी सेम करना है एलसीएम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, फिर 5 और। ठीक है, नेक्स्ट किससे करोगे, फिर से 2 से, 1, 3, 2, 5,
तीन। अब देखो इसमें तीन दो बार आ रहा है नीचे, तो हम इसको तीन से कर सकते हैं, एक 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 दो पांच एक, कुल मिलाकर हमारे पास एलसीएम क्या आया, पांच दूनी दस या तीस दूनी साठ दूनी एक सौ बीस, और 120 क्या आएगी हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो 120 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूं तो हमारे पास कितनी मिनट बनेगी, 120 बटा 60 यानी कि 2 मिनट। ठीक है, अब इसमें क्या बना कि प्रत्येक 2 मिनट बाद घंटियां क्या करती है, एक साथ बजती है, 2 मिनट बाद एक साथ बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, प्रत्येक 2 मिनट में क्या होता है, एक साथ बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर हमारा यहां से क्या निकला, 15 बार। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहली घंटी भी काउंट होगी यहां पर और लास्ट घंटी भी काउंट होगी, हमने सीधा 30 को डिवाइड किया तो हमने पहली बार जो स्टार्टिंग में सबसे शुरुआत में घंटी बजी उसको हमने काउंट नहीं किया, उसको भी काउंट करना है, इसलिए इसके अंदर स्टार्टिंग वाला एक घंटी जो बजी थी वो भी जुड़ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि 16 बार। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा राइट आंसर। इस तरीके से आपका जो घंटियों का क्वेश्चन बनता है दो ही टाइप का बनता है, इस छोटे से सेशन में मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन यहां पर करवा दिए। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है ये वाला, जितने भी बच्चे इस क्लास को देखें, इस वीडियो को देखें, वो सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कि एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, और घंटियों का बजने का टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर ट्रिक सीख ली है, छोटी सी वीडियो से एक कंसेप्ट पूरा सीख लिया, तो इस क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में जरूर दीजिए, यानी कि ऑफलाइन कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा एक एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िएगा एकलव्य बेस से। ठीक है, एकलव्य बेस आप ले सकते हैं, इसके अलावा हरियाणा सीईटी का प्रैक्टिस सेट भी आपको एग्जामपुर परिवार की तरफ से मिल रहा है, तो इसको जरूर लीजिएगा। छोटे से सेशन में इतना ही, हम मिलेंगे, हर दिन हमारी रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 9 बजे, तो सभी बच्चे उससे भी जरूर जुड़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।